चलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं नाम अजीत। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा के बैलेंस चेक कैसे करें घर बैठे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ दूंगा कि घर बैठे ही बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंक बैलेंस कैसे चेक करें अपने मोबाइल से। दोस्तों, यहाँ पर आप सब काफ़ी कमेंट्स कर रहे थे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के हम बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं मोबाइल से ऑनलाइन ही, क्योंकि बैंक में अब जा नहीं सकते, लॉकडाउन है। अगर आप चाहते हैं तो मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं, आपको बैंक भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के अपने मोबाइल से कैसे चेक करें, चलिए इस वीडियो में आपको यही बताने वाले। तो वीडियो शुरू करते हैं। दूसरे, अभी तक मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन होगा, प्लीज़ उसे टच कर दीजिएगा। बराबर में एक नोटिफिकेशन बेल आनी है, घंटी के निशान से टच करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सब्सक्राइब करें तो घंटी को जरूर दबे। ओहो, अनसब्सक्राइब हो गया, सब्सक्राइब करके फिर से ऑल पर क्लिक कर दें। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंक बैलेंस चेक करने के लिए आपको चलना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि एप्लीकेशन के नाम है ऑल बैंक बैलेंस चेक है। ठीक है, आपको फिर से बताता हूँ, ऑल बैंक बैलेंस चेक है। ठीक है, आपको सर्च करना है प्ले स्टोर में, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आपको दिख जाएगा, यहाँ पर सिंपली स्टार्ट पे कर देना है क्लिक। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना बैंक सेलेक्ट करना है। ऊपर आपको दिखेगा, आपको अपना बैंक सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट है, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको, तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर देखेगा, जैसे कि यहाँ पर EMI कोड्स, नेट बैंकिंग, SMS बैंकिंग और यहाँ पर यूजर्सी बैंकिंग। ठीक है, तो हमें क्या करना है, चेक बैलेंस पर क्लिक करना है, बैंक बैलेंस चेक, सिंपली इस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर तीन तरह का नंबर दिखाई जाएगा, जैसे कि बैंक बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट, कस्टमर केयर। ठीक है, अगर आप मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो वो भी निकल जाएगा। अगर चाहते हैं कि आप बैंक बैलेंस चेक करें सिर्फ, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बैंक बैलेंस चेक करके दिखाता हूँ अभी भी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर इस नंबर पर आपको कॉल करना है। ठीक है, आपको इस नंबर पर कॉल करना है, किस नंबर से करना है वो भी आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आपके बैंक में जो नंबर लिंक है उसी नंबर से कॉल कीजिएगा, फिर से आपको बताता हूँ। अगर आपका घर में जो भी मोबाइल नंबर है, जैसे आपका मम डैड पापा या कोई का भी जो बैंक में नंबर लिंक है उसी नंबर से इस नंबर पे कॉल करना है। जैसे कि मैं बताता हूँ, जो मेरा भी इसमें मोबाइल में सिम है, ये मेरा बैंक में लिंक है। ठीक है, तब इस पर मिस कॉल करूँगा तो उधर से किस्मत प्राप्त होगा, जो कि मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। चलिए मैं करता हूँ सिंपली क्लिक कॉल पे, नाउ पे। तो यहाँ पर देखिए, मिस कॉल हो चुका है, ऑटोमेटिक कट चुका है। ठीक है, तो उधर मिस कॉल चला गया और कुछ सेकंड तक आपको वेट करना है। ठीक है, वेट करने, यहाँ पर देखिए एसएमएस प्राप्त हो चुका है और यहाँ पर मैं चलता हूँ। तो यहाँ पर अभी देखिए, जैसे कि आ चुका है एसएमएस, यहाँ पर आपको मैं आपको रुपीज दिखाता हूँ कितना है मेरे बैंक में। टाइम भी देख सकते हैं, वहाँ पर 9:37 हो रहा है और नीचे यहाँ पर देखिए 9:37 हो रहा है नीचे टाइम भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, डियर कस्टमर, यहाँ पर बैंक बैलेंस, यहाँ पर इतना नंबर और यहाँ पर आपका अमाउंट, यहाँ पर देखिए सबसे नीचे आपको दिखा दिया, यहाँ पर देख लीजिए। तो इसी तरह चेक कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक बाय।